यदि मुझे कुछ हो गया तो इसे अपने राज्य को फिर से पाना होगा, अपने पिता का प्रतिकार लेने लौटना होगा इसे। अब अपने आंसू मत बहाओ मां, इन आंसुओं को सहेजो और अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि मुझे शक्ति चाहिए, प्रेरणा चाहिए, ताकि मैं प्रतिशोध ले सकूं। आर्य, धनानंद के विरुद्ध हमारा पुत्र चंद्रगुप्त अपना पहला कदम बढ़ा रहा है और इस कार्य में उसकी जीत इस क्रांति में पहली आहुति के समान होगी। आज हमारे पुत्र को हम दोनों के आशीर्वाद की आवश्यकता है। आशा है कि वो सकुशल लौट आएगा। सम्राट, आपके पूज्य पिताश्री दिवंगत महाराज महापद्मानंद जी की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में पड़ोसी जनपदों से उनके सम्मान में ये उपहार आए। किंतु भद्रसाल, मैं तो यहां केवल 9 ही उपहार देख पा रहा, जबकि हमारे पड़ोसी जनपद तो 15 है ना? जी सम्राट, किंतु आप जानते ही हैं कि शेष 6 जनपद क्षत्रिय राजाओं के अधीन है और इसीलिए देखा आपने महामाते, ये क्षत्रिय मेरा अपमान करने से कभी नहीं चूकते। उपली वन के भयानक अंत के पश्चात भी इन्होंने सीख नहीं ली। कुछ तो करना होगा। हाँ, अब समय आ गया है। 3-6 जनपदों को भी मगध के अधीन कर लिया जाए। ना ना ना, मुझे लगता है प्रतीक्षा करने का कोई लाभ ही नहीं। अब तो पूरे के पूरे 15 जनपदों को मगध की छत्र छाया में ले लेना चाहिए, ताकि फिर कभी कोई क्षत्रिय मेरा अपमान ना कर सके। युद्ध के लिए सेना सज्ज कीजिए महामाते। क्षमा। क्षमा चाहूंगा महामहिम, परंतु मैं इस युद्ध का सुझाव नहीं दूंगा। अभी आप स्वयं सोचिए महामहिम, इतना बड़ा युद्ध कदाचित यह हमारे राजकोष को खाली कर सकता है और परिणाम स्वरूप प्रजा से हमें और भी अधिक कर वसूल करना पड़ेगा। मैं तो यही कहूंगा महामहिम कि ना ये निर्णय उचित है और ना ही समय। समय, निर्णय, समय और निर्णय को अपने अनुरूप करना हमारे हाथों में होता है महामात्य। और मुझे भली भांति ज्ञात है कि उन 15 जनपदों को अपने अधीन कैसे करना है और उसके लिए धन कब और कहां से आएगा।